लोकतंत्र का सच की पड़ताल में हमारी टीम आ पहुंची है सिरसा के डबवाली विधानसभा में। ये वही डबवाली है जहां आज से 23 साल पहले हुए भयानक अग्निकांड में करीब 442 लोग मारे गए थे। इन मरने वालों में 258 बच्चे भी शामिल थे। मृतकों की याद में यहां एक स्मारक भी बनवाया गया है। तो जो उस टाइम में बच्चे आए हुए थे तो एकदम लाइट चली गई। लाइट जाने के बाद उन्होंने जनरेटर चला दिया जी। जनरेटर चला दिया तो फंक्शन हो रहा था जी, बड़ा फंक्शन था और ये केंद्रीय मंत्री भी आई हुई थी शैलजा। तो उस टाइम जी वो क्या हुआ, एकदम लाइट आ गई, लाइट भी आ गई और उसमें जनरेटर चल रहा था जी, उससे फिर जी आग लग गई। तो उससे क्या हुआ, वो संदिग्ध बना हुआ था जी वो टेंट, तो वो जलने लग गया, उसके वो ऊपर से पड़ने लग गए बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, और भी जो कुर्सियाँ थी वो लोहे की थी जी, तो उसका करंट उनके अंदर आ गया जी, तो वो करंट से वो मरने लग गए। और आइए अब आपको डबवाली में विकास की तस्वीर दिखाते हैं। विकास की तलाश में हम सबसे पहले यहाँ के सरकारी बस स्टैंड पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि ये बस स्टैंड नहीं बल्कि समस्याओं का समंदर है। यहाँ पार्किंग तक की व्यवस्था नहीं है। बारिश के समय बस स्टैंड के अंदर इतना पानी भर जाता है कि चलना नामुमकिन सा हो जाता है। इतना ही नहीं, लोगों ने हमसे अतिक्रमण की भी शिकायत की। मेन बस स्टैंड की जी प्रॉब्लम है पार्किंग की है जी। जो भी कोई वीर सवारी लैन आता ज चढ़ा आता, जिस तरह मोटरसाइकिल खड़े है इस ना खंड सारे आने जान से मोटरसाइकिल खंड की भी प्रॉब्लम है। जो एक सैड पार्किंग हो बहुत वधिया चीज़। दुकानदारों के आगे रेहड़ी लगाकर ज़्यादा अतिक्रमण करना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के अंदर विघ्न पड़ता है, क्योंकि जगह जगह भी रेहड़ी लगी हुई है। जो केले वगैरह खाता है वहीं घेर देता है। आने जाने में इतनी परेशानी होती है जिसका कोई अंत नहीं है। और अब जरा इस अंडरपास की कहानी भी जान लीजिए। ये अंडरपास डबवाली के आधे हिस्से को बाकी के आधे हिस्से से जोड़ता है, लेकिन पिछले 4 साल से ये अंडरपास ऐसे ही अधूरा बना हुआ है। अंडरपास के अधूरा होने की वजह से शहर की कनेक्टिविटी प्रभावित हो रही है। डबवाली की जनता ने इस बारे में कई बार अपने सांसद और विधायक से शिकायत की, लेकिन नेता इस रास्ते से गुजरते नहीं और उन्हें तकलीफ नहीं है, इसलिए वो जनता की तकलीफ पर ध्यान भी नहीं देते। शहर से आने जाने वालों को सभी को दिक्कत आती है जी। ये बिल्कुल कच्चा है, इससे जो ट्रैफिक चलता है उससे जो मिट्टी धूल वगैरह उठती है नीचे, तो ऐसे समझ लो भी पार करना ही मुश्किल हो जाता है। स्कूल वाले बच्चों को बहुत परेशानी आने जाने में आते हैं। विधायक है, सांसद है, कोई भी है, ट्राई सब कर रहे हैं कि उनको ये हम बनवा दें, उनको वो हम बनवा दें। कभी टेंडर कॉस्ट नहीं सही बनती इनकी,